हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज फिर से मैं आपके लिए मेरा शॉपिंग हॉल लेके आई हूँ। आज का ये वीडियो मेरा मिक्स शॉपिंग हॉल है। मैंने होम सेंटर से शॉपिंग की है, मीशो से शॉपिंग की है, अमेजोन से शॉपिंग की है, तो वो सब मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट है, ये मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया है। ये एक प्लेसमैट है जो कि पीवीसी मटेरियल में है और ये होम सेंटर का है। होम सेंटर पे भी ये अवेलेबल है लेकिन मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया है और ये कॉपर कलर में है। इसका MRP 299 है। नेक्स्ट प्रोडक्ट अगेन होम सेंटर से है। ये मैंने होम सेंटर वेबसाइट से ऑर्डर किया है और ये भी प्लेसमैट है। मटेरियल सेम है, इसका भी मटेरियल PVC है लेकिन ये हेक्सागोनल शेप में है और ये गोल्डन कलर में है। और कॉपर कलर से ये गोल्डन कलर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। सेम प्लेसमैट मैंने अमेजोन से भी ऑर्डर किया था, ये भी होम सेंटर का ही है लेकिन पहले मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया लेकिन मुझे गोल्डन कलर चाहिए था। मैंने ऑर्डर भी गोल्डन कलर ही किया था लेकिन रिसीव हुआ मुझे कॉपर कलर, तो इसलिए मैंने होम सेंटर से ऑर्डर किया। तो दोनों की क्वालिटी मुझे सेम लगी, सिर्फ कलर डिफरेंस है। दोनों हेक्सागोनल शेप में है, मटेरियल सेम है PVC मटेरियल और क्वालिटी मुझे दोनों की सेम लगी लेकिन मुझे अमेजोन में मुझे कॉपर कलर रिसीव हुआ। और ये सेट ऑफ टू है, ये सेट ऑफ टू 199 में रिसीव हुए है मुझे। और होम सेंटर पे सेम प्लेसमैट मुझे 349 MRP में रिसीव हुआ है लेकिन क्वालिटी दोनों की सेम है, कलर डिफरेंस है। दोनों में से एक मैं रिटर्न कर दूंगी। तो मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट है, ये तोरण है। ये मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया है और ये आप मंदिर में भी लगा सकते हैं या फिर एंट्रेंस डोर में भी लगा सकते हो। वैसे तो ये तोरण काफ़ी अच्छा दिखता है, लुक वाइज भी अच्छा है लेकिन यहाँ पे मुझे थोड़ा जो हैंग करने का ये जो क्लिप है वो थोड़ा मुझे ओल्ड लगा। इसका डिज़ाइन आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छे डिज़ाइन है। घंटी हैंग की हुई है और घंटी के नीचे पॉम पॉम लगे हुए हैं तो अच्छा दिखता है, ये मुझे अच्छा लगा। ये मुझे 300 रुपीज़ में रिसीव हुआ है। तो मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट है अगेन प्लेसमैट, ये भी मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया है और ये जूट मटेरियल में है। ये सेट ऑफ टू में मुझे रिसीव हुआ है। इसका MRP शायद 269 रुपीज़ में मुझे सेट ऑफ टू रिसीव हुए हैं और इसकी क्वालिटी मुझे अच्छी लगी। फिनिशिंग वगैरह तो अच्छी है, लुक वाइज भी अच्छा दिखता है और सेम प्लेसमेंट मीशो ऐप पे भी अवेलेबल है। आपको इससे भी कम रेट में आपको मीशो ऐप पे मिल जाएंगे लेकिन इसकी क्वालिटी मैं बता नहीं सकती। ये तो फिनिशिंग में अच्छा दिखता है। आप इसे किसी भी कॉर्नर में रख के इसके ऊपर प्लांट रखेंगे तो ये काफ़ी खूबसूरत दिखेगा। तो मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट मीशो से है, ये मैंने मीशो से ऑर्डर किया है। तो ये स्टार लाइट है, तो इसमें 5 बड़े स्टार और 5 छोटे स्टार है और इसके 8 मोड है। आपको हर बार प्रेस करना होता है उसके ऊपर। एक इसमें एक बटन दिया गया है तो आपको प्रेस करना होता है, तो ऐसे अलग अलग मोड पे ये लाइट लगती है। आप जिस मोड को, आपको जो मोड अच्छा लगे वो आप वो मोड पे लाइट रख सकते हो, तो आपको सिर्फ चेंज करना होता है। और ये वार्म वाइट कलर में है और काफ़ी खूबसूरत दिखता है ये। तो मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट सेम स्टार लाइट ही है जो मैंने मीशो ऐप से ऑर्डर किया था, सेम वही मैंने अमेजोन से भी ऑर्डर किया। तो मेरा दोनों वेबसाइट से ऑर्डर करने का रीज़न एक ही था कि मैंने पहले अमेजोन से ऑर्डर कर दिया था लेकिन बाद में मैंने मीशो पे सर्च किया तो मीशो पे मुझे कम प्राइस में दिखा ये, तो इसलिए मैंने मीशो से भी ऑर्डर कर दिया। लेकिन मैंने क्वालिटी दोनों की देखी तो दोनों की क्वालिटी सेम है। दोनों के जो मोड है वो भी 8 मोड पे ऑन ऑफ होते हैं और सेम दी गई है। डिज़ाइन सेम है, स्टार भी सेम है, 6 स्टार, टोटल 12 स्टार है। तो अमेज़ोन पे ये मुझे 500 में रिसीव हुआ और मीशो ऐप पे मुझे ये 375 रुपीज़ में रिसीव हुआ, तो इसलिए मैं अमेज़ोन वाला वो रिटर्न कर दूँगी। तो मेरा लास्ट प्रोडक्ट है, ये बटरफ्लाई है
और ये मैंने अमेज़न से ऑर्डर किया है और ये सेट ऑफ 12 में मुझे रिसीव हुए हैं। तो ये काफ़ी खूबसूरत दिखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर में मुझे रिसीव हुए हैं ये। तो आपको ये किसी भी प्लांट के साथ पॉट में लगाना होता है, आपको सिर्फ मिट्टी में प्रिक करना होता है, तो ये आपके बालकनी के लुक को और भी एनहांस करेगा। तो ये नेचुरल बटरफ्लाई लगते हैं, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो और मेरी शॉपिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।